हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सुमन। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं आपको गर्दन में दर्द के बारे में बताती हूँ। गर्दन का दर्द बहुत कॉमन हो गया, आम लोगों में मिलता है। और गर्दन के दर्द की कॉमनली दो कंडीशन देखी गई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सबसे पहले सर्वाइकल क्या होता है? सर्वाइकल हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको सर्वाइकल नाम दिया गया। उसमें छोटी छोटी 7 हड्डियाँ होती है, ठीक है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ लिगामेंट एंड मसल्स, इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये किसी भी एज ग्रुप में होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है? ये डीजनरेशन होने लगता है हमारे सर्वाइकल स्पाइन का। ये आफ्टर 45 एज के बाद देखा गया है। इसमें वियर एंड टीयर होना स्टार्ट हो जाता है एंड इसमें कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। अब ये क्यों होता है, कैसे हो जाता है? अब इसमें क्या होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि रॉन्ग पोस्चर की वजह से होता है। रॉन्ग पोस्चर मतलब अगर हमारा नेक है ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, या हम ज़्यादा झुका के काम कर रहे हैं कि यार लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और हम या फिर मोटा पिलो यूज़ करके सो रहे हैं या गलत तरीके से सो गए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि गर्दन झुकाने से हमारा जो चिन है वो पोकिंग हो जाता है, तो उससे हमारे ये जो स्पाइन की सर्वाइकल स्पाइन की आसपास की मसल्स और लिगामेंट होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, उनमें अकड़न सी फील होने लगती है और उसमें थोड़ी स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ये देखा गया, तो हमारे पोस्चर की वजह से, रॉन्ग पोस्चर की वजह से ज़्यादातर ये कंडीशन हो जाती है। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स जो हैं वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पॉन्डिलोसिस दोनों के कुछ सिमिलर से सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटमेंट भी इनका सिमिलर सा होता है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। सिम्टम्स ये है कि सबसे पहले हमको नेक में पेन होने लगता है, इसके आसपास की मसल्स हैं उनमें टाइटनेस फील होती है, नेक इधर उधर मूवमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसमें क्या होता है धीरे धीरे किसी किसी को हेडेक, चक्कर आना, इस तरीके की भी प्रॉब्लम होने लगती है। और क्या होता है कि अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है तो इसमें थोड़ा पेन है वो रेडिएट करने लगता है। रेडिएट मतलब जो पेन है वो या तो बैक साइड में जाने लगता है या फिर हमारे शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, हैंड तक आने लगता है ये। और धीरे धीरे क्या होता है कि हाथ में झंझनाहट जैसा फील होता है। झंझनाहट मतलब जैसे ऐसा फील होता है कि जैसे हमारा हाथ सो गया है, इस तरीके की फीलिंग आती है। तो अब हमारा इसमें क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में इसे हमें एक्सरसाइज एंड डाइट, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर हम ये दोनों चीज़ें हम कर लेते हैं तो हमारा हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है? स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन के आसपास के जो मसल्स हैं एंड लिगामेंट्स हैं उनमें स्ट्रेंथ, उनको स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी सर्वाइकल स्पाइन को अच्छे से होल्ड करके रखे। हमारा थोड़ा सा भी पोस्चर रोंग होता है तो जल्दी से इन्फ्लामेशन नहीं होए, उनमें टाइटनेस नहीं हो जाए, इसलिए हमें उनको स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। तो और दूसरी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हमारी मसल्स है वो टाइट हो जाती है तो उनको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको जब हम स्ट्रेच करेंगे तो वो काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो क्या करना है, हमारे हैंड्स हैं उनको फोरहेड पे रखना है और नेक को बेंड करने से रोकना है हैंड से। आई मीन नेक और हैंड्स का इक्वल फोर्स होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे हैंड्स बैक साइड में हेड के एंड नेक को एक्सटेंड करने से, यानी कि बैक साइड ले जाने से रेजिस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हैंड है वो जस्ट ईयर के ऊपर एंड हमारा साइड बैंड से रेजिस्ट करना है।
same opposite sign. ओके सेम ऐसे ये हमारा हैंड है वो हमारे गाल पे रखना है एंड रोटेशन को रजिस्ट करना है सेम अपोजिट साइड. आपको ये नेक के चारों तरफ मसल्स हैं उनमें आपको कॉन्ट्रेक्शन भी फील होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे. ओके ये एक्सरसाइज जो है आपको 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है एंड हमें 10 to 15 टाइम्स करना है. ओके नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, हमारा एक हैंड है वो बैक में होना चाहिए, बैक साइड में, एंड अदर हैंड हमारे हेड पे, और धीरे धीरे नेक को बेंड करना है थोड़ा सा फोर्सफुली ताकि हमें स्ट्रेच फील हो. ओके सेम अपोजिट साइड. ओके नेक्स्ट है हमारा हैंड है वो बैक साइड में होगा एंड हमारा चिन है वो अपोजिट साइड में एंड धीरे धीरे बेंड करना है लाइक दिस. ओके सेम अपोजिट साइड. ओके ये भी हमें 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है एंड 10 to 15 टाइम्स हमको इसको करना है. ओके और हमारा पोस्चर भी करेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम है वो पोस्चर की वजह से हो रही है, तो हमारा पोस्चर भी करेक्ट होना चाहिए. अगर हमारा पोकिंग चिन हो रहा है तो हमें उसको टक इन करना है. अगर हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा है कि हमें बार बार नेक को झुकाना पड़ रहा है तो हमें बार बार उसको 5 to 10 मिनट्स के अंदर बार बार चिन को टक करना है. एंड ये एक्सरसाइज आप 15 to 20 मिनट्स के बाद आप अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा. ओके नेक्स्ट हम आते हैं डाइट पे. डाइट हमें हमारे डाइट में कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए एंड एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट होना चाहिए. सबसे पहले विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलेगा, वो हमें अर्ली मॉर्निंग में लेना चाहिए. नेक्स्ट है कैल्शियम. कैल्शियम हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, दूध दही एंड पनीर. ठीक है नेक्स्ट है कि मेथी, दाना मेथी जो होता है उसको रात को भिगोइए एंड अर्ली मॉर्निंग में खाइए, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का. खजूर हो गया, बादाम हो गए एंड बीट रूट हो गया एंड रागी हो गया. रागी बहुत अच्छा सोर्स है. रागी को हम आटे में मिक्स करके चपाती बना के खाई जा सकती है. और क्या है, और हमारे दाल, सोयाबीन, इन सब में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है. अब हम एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, ये क्या होता है, ये जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट होती है. ओमेगा 3 किस में होता है, एक्चुअली क्या काम करता है, ये जो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो हमारी बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन नामक एक इन्फ्लामेटरी प्रोटीन होता है जिसका लेवल है वो रेज हो जाता है. अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारा ये सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो कम हो जाएगा, उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा. तो ये किन किन चीज़ों में होता है, ये होता है एक तो ऑलिव ऑयल है उसमें होता है, सीड्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए और अलसी, अलसी में बहुत अच्छा होता है. एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का. तो ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज एंड डाइट, ये चीज़ें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको नेक पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा. थैंक यू.